हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के शुरुआत चांदनी के पेड़ के साथ करने चाहती हूँ। ये मेरे पास नहीं था, मैंने अभी इसकी ब्रांच अपने घर के सामने एक लोग क्या लगा हुआ था उनसे लेके और मैंने लगाई है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, अभी ये ब्रांच मैंने लगाई है। एक पॉट में ये बेल लगी हुई थी, इसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी। ये बेल भी मैंने ब्रांच से ही लगाई है। देखिए कितनी बढ़िया सर्वाइव कर रही है। पहले तो लग रहा था नहीं चलेगी, अब देखिए इसमें छोटी छोटी सी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। ये देखिए, एक अजीब सी खुशी होती है। नर्सरी से जब आप प्लांट लाते हैं और उन्हें लगाते हैं तो वो पता होता है कि सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जब आप कोई ब्रांच ले कर लगाते हैं और वो सर्वाइव करती है तो आपको एक अजीब प्रकार की खुशी होती है। मैंने लगाई और तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये मैंने अभी अभी लगाई है, ये मैंने कल लगाई थी। और देखिए इसकी पत्तियाँ पहले झुक गई थी, अब कितनी बढ़िया सी खिली खिली सी हो गई हैं। और ये देखिए, ये मैंने लगाया है, मैं अभी आपको शेयर करती हूँ। मैंने विष्णु कांता के बीज भी डाले थे, और आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं जिसमें आपका दूसरा पेड़ लगा है। अगर उस पॉट की मिट्टी अच्छी है तो आप उसमें ब्रांच लगा सकते हैं। जब ब्रांच थोड़ी सी सर्वाइव कर जाए तो आप उसको दूसरे पॉट में लगा सकते हैं। इस पॉट में भरा हुआ है पानी, चूँकि कल से पानी बंद ही नहीं हुआ है, इतनी बारिश यहाँ पे हो रही है। तो मैंने इसमें 2-3 दिन पहले एक ब्रांच गुड़हल की लगा दी थी। ये देखिए, ये 2-3 दिन से वैसे ही लगी हुई है। और एक ब्रांच मैंने चांदनी की लगा दी थी, ये देखिए, ये देखिए, इसमें वो भी थी, कलियाँ भी थी। ये देखिए, ये वैसी ही लगी हुई है। तो मैं ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आप भी अगर ब्रांच से कोई तैयार करना चाहते हैं तो आप उनको इसी तरह करके लगा सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें छोटे छोटे से कनेर लगाए थे और मुझे लग रहा था कि ये नहीं चलेंगे, और देखिए कितना सुंदर ये वाला कनेर चल गया। ये देखिए, ये सारे चल गए, तो मुझे इतनी खुशी थी कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ा बड़ा था, चल लग गए भी गया है, लेकिन इसकी पत्तियाँ उतनी अच्छी सर्वाइव नहीं कर रही। देखिए सारी वैसी हो गई हैं, लेकिन ये देखिए कितना अच्छा चल रहा है। ये देखिए मेरे कनेर में कितने अच्छे फूल आए हैं। और मैंने ये कनेर भी ब्रांच से ही तैयार किया हुआ था, और ये देखिए तैयार हो रहा है। ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पर लगा रखा है और ये ब्रांच से तैयार होकर इतना बड़ा हो गया है। ये विष्णु कांता होता है, इसमें नीले रंग का फूल होता है, तो ये शंकर जी में ये भी चढ़ता है, अर्पित किया जाता है। तो ये मेरे पास विष्णु कांता के फूल में जब फूल लगने के बाद उसमें एक फली जैसी निकलती है, तो मैं मम्मी क्या लगी हुई थी तो मैं ले आई थी। देखिए, मैंने वो बीज डाल दिया था, ये गुलाब का इसमें पेड़ लगा हुआ था, लेकिन इसकी मिट्टी बहुत अच्छी थी तो मैंने ये बीज डाल दिया था। और देखिए, उसमें से ऐसे ही लगा दिया था। कल बारिश हो रही थी, परसों बारिश हो रही थी, मैं इसमें बीज डाल के चली गई थी, और कितना सुंदर सा ये बीज मैंने 8 दिन पहले डाला था, और कितना सुंदर सा देखिए तैयार हुआ है। विष्णु कांता का बीज यहाँ भी डाल दिया था। ये मैंने जिन पार्ट में प्लांट लगे हुए थे मैंने वहाँ पे ही डाला था। इसमें देखिए वो मधुमालती की बेल लगी हुई है, मैंने वहाँ पे डाल दिया। तो मैं इन सब को निकाल के, क्योंकि इन सब की मिट्टी बहुत अच्छी थी और सब की मिट्टी में काफ़ी फर्टिलाइज़र पड़ी हुई थी, तो मैंने इसमें डाल दिया था। मैं सबको निकाल के दूसरे पॉट में रिपॉट कर दूँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने भी आज ही देखे हैं आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वैसे भी प्लांट बहुत महंगे आने लगे हैं, तो अगर आप इस तरह करके अपने प्लांट तैयार कर सकते हैं इस, तो आपको एक अजीब प्रकार की खुशी होगी जो मुझे इस समय बहुत हो रही है। तो प्लीज़, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।